आज अपनी डोमिनार 400 जो कि अपने पास से जा रही है और आज ये लास्ट वीडियो होगा उस बाइक पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनोवा लगी पड़ी है एंड ये इनोवा आ रही थी सीधे वाले लेन में, बट सामने से आ रही थी क्रेटा। मैं सोच रहा हूँ 600 के होते होते तक आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वीडियो का टाइटल आपने देख के तो पहले समझ चुका होगा कि आज अपनी डोमिनार 400 जो कि अपने पास से जा रही है और आज ये लास्ट वीडियो होगा उस बाइक पे। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसे सेल आउट करने का, बट एक्चुअली हो क्या रहा था, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, बट रेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था एंड कभी कभी मेरा भी मूड चेंज हो जा रहा था। बट इस बार भाई मैंने फाइनली सोच लिया कि चलो बाइक को सेल आउट कर देते हैं। एंड अभी यहाँ पे देखो पेपर वर्क हो रहा है, वैसे तो आज दिन का है संडे, तो बस जो भी नॉर्मल पेपर वर्क होता है वो सब यहाँ पे भी हो रहा है। उमेश भैया जो भी है अपना हेल्प आउट कर रहे हैं इस चीज़ में, लेकिन इसके बाद जो भी बाकी का पेपर वर्क होगा वो कल जैसे मंडे होगा, बाकी कोर्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके सिर्फ डी से जो भी ट्रांसफ़र लेटर एंड ऑल होता है वो सब कुछ हम लोग प्रोसेस करवा लेंगे। एंड मतलब वो देख के और बता रहे, मतलब ये ब्लॉग मैंने सोचा नहीं था बनाऊँगा, मैं सोचा चलो बता दूंगा किसी ब्लॉग में कि बाइक अपनी जा रही है, बट फिर सोचा कि चलो बता ही देता हूँ किसे मैं बेच रहा हूँ। और इसको देखो कितना खुश है, अब काम नहीं करना पड़ेगा डोमिनार में, है ना भाई? हाँ, खुश होना, डोमिनार में काम नहीं करना पड़ेगा, अफसोस है, अफसोस है। चलो कोई नहीं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। और दिखाते अपनी बाइक वहाँ पे लगी पड़ी है, अपनी अभी तक अपनी है क्योंकि अभी तक हमने पैसा वैसा गिना नहीं है और साइन हमने किया नहीं है, बस पेपर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली जो भी एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह मैंने लगवाया था वो सब चीज़ मैंने बस निकाल लिया, बाकी जो भी लेग गार्ड एंड ऑल है वो सब के साथ ही मैं दे रहा हूँ भाई को, क्योंकि लेग गार्ड तो मेरे काम का आएगा नहीं, बट लाइट्स वगैरह मेरे काम का आ सकता है। तो एक बस मैं लाइट है जेजी वाला, उसने हटाया, मैंने लग गया, हो गया ये वाला काम। चलो तो भाई ने भाई कर दिया सारा काम, ये भी प्रोसेस में था, तो ये सब चीज़ अभी यहाँ पर हो गया। एंड आपको बताते हैं क्या रेट एंड ऑल था, ये शायद मैं अप्रॉक्स बता देता हूँ, ओवर मतलब 1.5 के आसपास समझ लो और कुछ कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, तो बस उसी के अराउंड मैंने बाइक को सेल आउट किया। सेल आउट करने का रीज़न आप सबको पता है अच्छे से, एंड अगर कुछ जा रही है तो कुछ नया भी आने वाला है और जितना जल्दी जाएगी उतनी जल्दी आएगी, ये तो आप सबको पता ही था। तो अभी करते हैं बाकी का पेपर वर्क एंड ज़्यादा इमोशनल नहीं होने का। तो फाइनली अमन भाई जो है हमारी बाइक परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे अभी साइन वगैरह हो रहा है, ये सब प्रोसेस ज़रूरी है करना क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा गारंटर बन रहे हैं ना आप, इधर बन गया गारंटर ना, पानी पिलाया जा रहा है और तो इतना गर्मी में कुछ पीते नहीं हम लोग। बताओ भाई डोमिनार बेच के इतना पैसा, तीन तीन लोग गिन रहे हैं इधर देखो, है ना उमेश भैया, तीन तीन लोग को गिनना पड़ रहा है। तो भाई ये रही अपनी डोमिनार की चाबी जो, और ये रही आरसी कार्ड जो अब अमन भाई के हाथ में। ख्याल रखना अपनी बाइक का, मतलब हमारी थी अब आपकी हो गई, आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगी। चलो अच्छी बात, बसंती हो गई, बसंती हो गई। तो गाइस चलो अब एक बार बाइक को दिखा देते अच्छे से बाहर चल के, क्योंकि फिर देखने को मिलेगा नहीं, एंड हम भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं प्यार से बाइक को। ये रही अपनी डोमी, एंड एक चीज़ मैं बस इस पर दिखा देता हूँ, ये वाला जो स्पीकर है इसको अपन ऐसे रहने देते हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं ऐसे हटाना, तो इसको बस यहीं पर रहने देते हैं। एंड अपनी बाइक अब अपनी नहीं रही, हैव अ लुक गाइस। ठीक है भैया, फिर मिलेंगे और कभी आ रहा आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, वैसे इनका घर तो आ रहा है और इनका राखी, वैसे वेंकी तुम्हारे ये फ्रेंड है भाई, शायद तुम जानते होगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बाय बाय तू डोमी, तो लास्ट बाय बाय अपने डोमिनार को। ठीक है भैया, टाटा दोनों हाथ से, राइड सेफ, अच्छे से राइड कीजिए, एंजॉय कीजिए। चलो गाइस चली गई अपनी डोमी, दिस इज़ डे टू। एक्चुअली कल बाइक जाने के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो गया था तो मैंने इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू नहीं किया था, बट मैंने सोचा कि चलो आज पूरा प्रॉपर आप लोग को बता देते हैं सब कुछ। तो डोमी अपनी जा चुकी है जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो में, एंड आज मैं सुबह सुबह निकला था बस ऐसे शॉर्ट राइड करने, तो सुबह सुबह एक इंसिडेंट हुआ है जो कि मतलब मेरे साथ नहीं हुआ बट मैंने देखा। और एक्चुअली हुआ क्या था, मैं लेफ्ट वाले लेन में था अटल पथ पे, एंड राइट हैंड साइड में बिल्कुल हुआ, एकदम बिल्कुल मेरे आँख के सामने। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो जो लाइव एक्सीडेंट मैंने देखा, मेरी तो बिल्कुल फट गई थी उस टाइम पे देख के। तो फिर मैंने यू टर्न लेकर जब वहाँ तक गया तब तक फिर एम्बुलेंस एंड ऑल आ चुका था, जो भी लोग थे वो सब जा चुके थे वहाँ पे एम्बुलेंस में,
तो मैंने वो सब चीज़ शूट नहीं किया, मैंने बस कार का कंडीशन जो था वो मैंने शूट किया। ऑल थैंक्स कि वो कार टॉप मॉडल थी, कि सब कुछ मतलब थोड़ा सेफ रह गया, लोग अंदर सेफ रह गए। एंड पहले आप देखो वहाँ का क्लिप, ये देखो पहले, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनोवा लगी पड़ी है, एंड ये इनोवा आ रही थी सीधे वाले लेन में, बट सामने से आ रही थी क्रेटा। चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर बताना चाहूँगा, सर्विस लेन वन वे नहीं होता, इसमें टू वे ट्रैफिक होता है। तो बहुत सारे लोगों थे इसे वन वे समझ के इसमें ओवर स्पीड चलाते जैसा कि नॉर्मली लोग चलाते, तो सर्विस लेन में लोग को थोड़ा संभाल के चलना चाहिए क्योंकि टू वे ट्रैफिक होता है, लोग दोनों साइड से आते हैं। एंड किसी का भी थोड़ा बहुत अगर स्टेयरिंग लेफ्ट राइट गया तो मिस हैपनिंग हो सकता है, जो कि अभी हुआ आप देख सकते हो। एंड पूरी गाड़ी की कंडीशन देखो, ऑल थैंक्स थी क्रेटा में 6 एयरबैग्स थे, अदरवाइज यार जो कंडीशन हुई थी क्रेटा की उसमें कोई भी नहीं बचता। तो अभी आपने देखा यार कार का ये जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये बहुत ही दर्दनाक था, मतलब मैंने देखा तो मैं शॉक हो गया था, मैंने तुरंत इंस्टा पे स्टोरी भी लगा था। एंड गाइस प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ड्राइव सेफ, प्लीज़ राइड सेफ, क्योंकि देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि गलती आपकी और सामने वाले की भी गलती हो सकती है। लाइक अगर आप 40-50 की स्पीड में भी जा रहे हो तो भी अगला अगर ओवर स्पीड आके आपको ठोक सकता है, तो प्लीज़ वी हैव टू बी केयरफुल। और ये तो फैक्ट है यार कि जब भी आप बाइक पे हो या कार पे रहते हो ना, तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है, तो प्लीज़ इस सब चीज़ का ध्यान रखना एंड थोड़ा सोच समझ के राइड करना। और ख़ास करके ड्रिंक एंड ड्राइव तो कोई भी मत करना, जो भी लोग ड्रिंक वगैरह करते हो या फिर कुछ भी नशा वगैरह करते हो, एक तो पहले मत करो, और अगर आप लोग का एडिक्शन वगैरह है तो प्लीज़ गाइस आप लोग कभी भी ड्रिंक विंक करके गाड़ी वाड़ी मत चलाओ। तो ये सब चीज़ जो था मैंने अपने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हो, एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कुछ भी हो, तो प्लीज़ ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। एंड डॉमी भी चली गई अब अपनी, अब तो भाई अपन जब तक कुछ नया नहीं आएगा तब तक अपन नॉर्मली चलाएंगे, जैसा अपने वैम्प एंड ज़ारा बची है साथ में, और आरसी है, तीन कार ही अपने पास बची पड़ी है, एक V3 भी है जो अपने फ्रेंड की है। एंड ये तो हर्ष की एनएस चला रहा हूँ मैं अभी, V3 भी सब कुछ ठीक है, V3 में भी उस दिन एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस बैक टू बैक ये दो चीज़ देख लिया, एक तो हर्ष के साथ हो गई, ऊपर वो सुबह सुबह ये देख लिया, मतलब समझो कि बहुत ही मैस्ड अप सा माइंड हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा नॉर्मली आप लोगों से बात करता हूँ, एंड चलो जो भी होना था वो तो अब हो ही गया, डोमिनार जाना था वो चला गया, क्योंकि देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि कुछ नया आने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो इतना सिंपल सा पॉइंट है कि मैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं डोमिनार रख के एक दूसरा बाइक ओन करूं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डोमिनार को हटा देते, वैसे भी अपना उतना ज़्यादा यूज़ था नहीं डोमिनार का, सिर्फ लॉन्ग राइड्स वगैरह पर अपन यूज़ किए थे उसे, एंड शहर में बहुत ही कम चलाया था मैंने डोमिनार। वैसे मुझे शहर में थोड़ा बहुत भाड़ी वाड़ी भी लगता था इसलिए मैं नहीं चलाता था, बाकी माइलेज वाइलेज का तो इशू है ही उसके साथ थोड़ा बहुत, अगर आप लोग नॉर्मली राइड करते हो, मतलब आपके पास अगर ऑप्शन है लाइक ज़ारा अगर मैं चलाऊँ या फिर वैम चलाऊँ, तो ये सब नॉर्मली 40 का माइलेज दे देता है, बट सेम विद डोमी अगर हम चलाते तो डोमी मैक्स टू मैक्स 20 का माइलेज देता था शहर में। तो ये भी एक रीज़न था कि जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर क्यों हम चलाए वो बाइक। तो बस यही सब था, एंड बाकी की बातें आपसे करेंगे फिर अगले ब्लॉग में गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। एंड अभी थोड़ा एक दो दिन से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, एक्चुअली रात को मैं सोया नहीं था या दो दिन, तो उसके वजह से थोड़ा तबीयत अप एंड डाउन हो गया, बॉडी को ज़्यादा मैंने हराश कर लिया खुद के बॉडी को, तो इसकी वजह से यार थोड़ा सा हो गया तबीयत ख़राब, एंड आपको अब मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस हैं, एक तो और गुड न्यूज़ भी आने वाला है सबको पता ही है, और बहुत ही कम अपने सब्सक्राइबर काउंट बचे 600 के होने में, तो जल्दी से यार पूरा कर दो। एंड मैं सोच रहा हूँ 600 के होते होते तक आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दूँ, तो होप फॉर द बेस्ट इस मंथ में सब कुछ जो मैंने सोचा है वो सारा कुछ हो जाए, जो सारा कुछ मैंने प्लान किया है वो सब एग्जैक्टली टाइम पर हो जाए, अदरवाइज़ अगर थोड़ा एक दो दिन आगे पीछे हुआ तो देख लेना भाई। तो चल फिर मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय।